Hello children, how are you? In this module to do learn about ileum or helium. The part of small intestine, it connects to the cecum, first part of the large intestine. यहाँ हम पढ़ेंगे ileum के बारे में. ileum जो है वो small intestine का एक भाग है जो connect होता है large intestine के cecum से. यहाँ हम इस diagram में देख सकते हैं, ये जो lower part है ये एरो से दिखाया जा रहा है ileum है. ये लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम से क्या कहते हैं कनेक्ट होता है, और ये थर्ड पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट भाग होता है. द ileum हेल्प्स टू फर्दर डाइजेस्ट फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक. ileum जो है वो जो स्टमक से फूड आता है उसके फर्दर डाइजेशन के लिए जिम्मेदार होता है द स्टमक एंड अदर पार्ट्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. अब हम देख सकते हैं व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ileum. ileum का क्या फंक्शन होता है. द मेन फंक्शन ऑफ द ileum इज टू एब्जॉर्ब विटामिन 12, बाइल सॉल्ट एंड वॉट एवर products of digestion were not absorbed by the jejunum. Therefore, the ileum has an extremely large surface area both for the absorption of enzyme molecule and for the absorption of product of digestion. यहाँ हम कह सकते हैं जो main function ileum का होता है वो vitamin B12 का absorption करना और boiled salt का. तो जो डाइजेशन वेर नॉट एब्जॉर्ब बाय द जेंजुनम, जो जेंजुनम जो मिडिल पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो वहाँ पे एब्जॉर्ब या शोषण जिसका नहीं होता एब्जॉर्ब, वहाँ ileum उसको एब्जॉर्ब करता है. तो ileum जो है वो विटामिन B12, ये आप देख सकते हैं विटामिन B12, ये एरो जा रहा है विटामिन B12, बॉइल सॉल्ट एंड वॉट एवर प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन वेर नॉट एब्जॉर्ब बाय द जेंजुनम. जो स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट जेंजुनम के द्वारा नहीं एब्जॉर्ब होते वो यहाँ ileum के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाते हैं. तो देयरफॉर द ileum हैज एन एक्सट्रीमली लार्ज सरफेस एरिया. ileum जो है एक बहुत बड़ा सरफेस एरिया है बोथ फॉर द एब्जॉर्बन ऑफ एंजाइम, जो एंजाइम मॉलिक्यूल और के एब्जॉर्बन के लिए जो है वो जिम्मेदार होता है. यहाँ हम ये डायग्राम देख सकते हैं, ये पार्ट लास्ट पार्ट जो है वो ileum का, ये देखिए ये लास्ट पार्ट ileum का है ये, और ये बीच वाला जो पार्ट है ये जेंजुनम का है. तो जेंजुनम से जो स्मॉल इंटेस्टाइन के जो जेंजुनम पार्ट है जो फूड एब्जॉर्ब नहीं होते वो स्मॉल इंटेस्टाइन के ileum के द्वारा एब्जॉर्ब होते हैं. ileum जो है विटामिन B12 और बाइल सॉल्ट के लिए जिम्मेदार होता है. तो यहाँ मैं छोटा सा कंटेंट पार्ट में लेके आई हूँ. जो प्रीवियस वीडियो है वो जेंजुनम के बारे में है, जो आई विल पुट अप प्रीवियस वीडियो लिंक इन दिस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन इजली फाइंड आउट. मैं प्रीवियस वीडियो के लिंक्स भी इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. तो मेरी कोशिश ये है कि इस क्रिटिकल पोजीशन में जो पूरा विश्व झेल रहा है कोरोना वायरस के कारण, तो वो स्टूडेंट जो 10th के हैं या और भी जो अदर क्लास के हैं जो स्कूल नहीं जा रहे हैं वो हमारे इस वीडियो से अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं. और यू कैन ईजली नोट डाउन इन योर नोटबुक एंड लर्न ईजली और इंक्रीज योर नॉलेज. तो आप घर में रहिए, we stay in your home and be safe, we take care and stay tuned. Bye bye, God bless.